बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। प्याज की फसल के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है जो कि पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उसे थ्रिप्स कहते हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है यानी मार्च अप्रैल के अंदर थ्रिप्स का हमला प्याज की फसल के ऊपर हो जाता है। काश्तकार भाई, करता क्या है ये कि हम सब जानते हैं कि ज़ियाई तालीफ का अमल यानी कि खुराक बनाने का अमल जो है वो पौधों में पत्तों के अंदर होता है। अब प्याज के जो पत्ते होते हैं उनमें खुराक बनाने का अमल होता है, वहाँ से खुराक बनती है और नीचे बल्ब में यानी कि प्याज के अंदर जाती है और प्याज फिर उसके बाद मोटा होना शुरू हो जाता है। काश कभी जब ये थ्रिप्स का हमला हो जाता है हमारी फसल के ऊपर, तो थ्रिप्स क्या करता है कि ये रस चूसता है पत्तों से इतना रस चूसता है कि खुराक बनाने का अमल जो है ना सिर्फ उसे मुतासर करता है, उसे अलग तरीके से मुतासर करता है, रस चूस चूस के पौधे को कमज़ोर कर देता है, पत्तों को कमज़ोर कर देता है। उसके साथ साथ ये एक रतूबत खारिज करता है, फुजला खारिज करता है, जिससे क्या होता है कि पत्ता आपको सफ़ेद रंग का नज़र आएगा, चमकीली सी एक तह जम जाती है पत्ते के ऊपर, पत्ते आपको हरे भरे नज़र नहीं आएंगे बल्कि कुछ सफ़ेद से नज़र आएंगे और फिर उसके बाद वो हल्के काले काले से नज़र आएंगे। तो काश को ये थ्रिप्स का हमला हो जाता है, ज़ियाई तालीफ का अमल मुतासर हो जाता है, पत्तों में जो खुराक बनती है वो नीचे प्याज तक नहीं जाती, प्याज जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर से पत्ते चुड़मुड़ होना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाते हैं, हमारी प्याज की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। अब ये कीड़ा होता किस तरह से है वो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से कीड़ा होता है। काश को ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से कीड़ा जो है ये आपको थ्रिप्स जो है वो पत्ते के ऊपर किस तरह से होता है। काश को थ्रिप्स का ज़्यादा हमला जो है वो प्याज की कोंपल के अंदर होता है, यानी जहाँ से नए पत्ते निकलते हैं उस जगह पे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद हम आपको कैमरे के अंदर दिखा सकें कि इसका हमला किस तरीके से होता है। ये देखें, करीब करें ज़रा इधर, ये आपको शायद नज़र आए इस जगह पर कि ये कितने ज़्यादा थ्रिप्स जो हैं वो बैठे हुए हैं इधर नए पत्तों के बिल्कुल साथ। इसके साथ ही दूसरे पौधे को अगर हम देखें, इसके अंदर देखें, अगर इसके अंदर जो आपको पता नहीं नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, इस जगह पे तकरीबन 50 से 100 थ्रिप्स बैठे हैं इस जगह पे और 50 थ्रिप्स इस जगह के ऊपर बैठे हैं। काश कभी इस तरह से जो है कोंपल के अंदर जो है इसका हमला होता है और ये पत्तों की इस तरह से बढ़ोतरी को रोक देता है। काश कभी जब इसका हमला हो जाता है तो प्याज की ये जो प्याज है इसकी बढ़ोतरी बिल्कुल रुक जाती है, पत्ते आपको इस तरीके से आपको ये रूखे सूखे से नज़र आएंगे, सफ़ेद रंग के चमकीली से नज़र आएगी। ये थ्रिप्स जो है ये मादा इसकी एक वक्त में तकरीबन 80-90 अंडे देती है, 3-4 दिन के अंदर अंडों से बच्चे निकल आते हैं और उसके बाद वो बेतहाशा नुकसान करते हैं। ये देखें, इस पौधे के अंदर भी बहुत ज़्यादा थ्रिप्स जो हैं वो बैठे हुए हैं कोंपल के अंदर। ये बहुत छोटा है, तकरीबन 1.5-2 मिलीमीटर का कीड़ा होता है। तो काश कभी बहुत छोटा सा कीड़ा होता है और प्याज की फसल को बर्बाद करके रख देता है। अगर आप इसका वक्त पे तदारक नहीं करते, अगर आप इसका कंट्रोल स्प्रे नहीं करते, तो आपकी फसल जो है प्याज की वो बुरी तरीके से मुतासर होती है। काश कभी भाई आपको स्प्रे करनी चाहिए, कीमियाई स्प्रे करके ही आप इस कीड़े से निजात हासिल कर सकते हैं। काश कभी जिससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो जहर स्पिंटो रैम है, जो कि आपको मार्केट के अंदर रेडियंट के नाम से जहर मिल रहा होता है, अरिस्टा लाइफ कंपनी का ये जहर है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। थ्रिप्स को ये उड़ा के रख देता है, ये पौधे के वास्कुलर सिस्टम में चला जाता है और यूँ समझ लें कि इसे थ्रिप्स जो है वो किसी भी जगह पे बैठा हो तो वो बच नहीं सकता। काश कभी ये जो स्पिंटो रैम जो रेडिएंट जहर है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये थ्रिप्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके प्याज की फसल के ऊपर थ्रिप्स को मारने के लिए। और इसका रिपीट स्प्रे आपको करना पड़ेगा 8 से 10 दिन के बाद। जब आप इसका रिपीट दोबारा से आप स्प्रे करोगे तो आप अपनी प्याज की फसल को मुकम्मल तौर पर थ्रिप्स से बचा लोगे। काश कभी इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रोएक्सिस जो जहर है जिसके अंदर गैमा सेहलोथ्रीन जहर होता है और प्रोएक्सिस के नाम से आपको ये मार्केट में मिल रहा होता है, ये भी अरिस्टा लाइफ साइंस का जहर है, केमिकल है, और आप इसे 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स का बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आप क्लोरफिनापायर और बाइफेंथ्रीन वगैरह का भी इस्तेमाल पहले हमारे काश का भाई करते होते थे, उनके भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो दो जहर जो मैंने आपको बताया इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं प्याज की फसल के ऊपर।
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।